चेक कराओ भाई यार, आज भाई गाड़ी तब भी आगे चलनी है जब तू कार्ड दिखाएगा। नहीं ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूँ क्या मसला है। दिखाओ चल आ, एक बना लो यार, हमारी बात बन गई है। नहीं तेरी बात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर, वेलकम करते हैं आपको एक न्यू व्लॉग में। गाइस आज का व्लॉग क्या होने वाला है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर मी। मेरे साथ मौजूद है सुभान जो कि अभी तक तैयार नहीं हुआ और मैं इसके घर आ गया हूँ। सीन इस तरह से है, सीन क्या है, सीन सुभान बताएगा। सीन ये है कि शीन है यार, सीन इस तरह से है कि शीन तो है। सीन ऐसे है कि दानियाल क्या तेल है जो कि स्टार्ट होना है रात को 10 बजे, अभी बजे हैं 7 और अरसलान मेरे घर आ गया। आप ये कसम उठा के कह सकते हो कि 7 बजे? मैं तो सच्चा हूँ यार, मैं तैयार होके इसके घर आ गया। इसने कहा था यार मेरे घर पहुँच जाए तकरीबन 8-8:30 बजे तक, और जैसा कि मैं 9 बजे तक 9 बजे पहुँचूँ, नौ बजे पहुंचूं यार, मैं पहुंच गया और ये बंदा अभी तक इसी तरह ही फिर रहा है। और मैं इसे कह रहा हूँ यार खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, लोगों को तैयार हुआ नहीं लग रहा। अभी मैं तैयार होकर भी मिलता हूँ आपको, लेकिन मैं फिर भी तैयार हुआ लग रहा हूँ। क्या इससे पूछे इसने, क्या वाकई नहीं शादी पे जाना यार? मैं देखो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी। और भाई मेहरबानी करो जल्दी जाओ और जाके तैयार होके आओ, और मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इनके साथ लगा हूँ यार। इंस्टाग्राम का लिंक ले दे रहा हूँ नीचे, पुराने वाला है हैक हो गया, आज क्यों रहा है तो इसको सब फॉलो कर दें, तो थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। 1 hour later यार, पिछले ना कोई 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अब जाके ये बंदा जो है ना आया। कितनी देर बाद आए हो? आफ्टर 1 hour। 1 घंटे से ये बेचारा बैठ के इस बंदे का वेट कर रहा है कि यार ये आए, तो हम लोग अपने यार वो अभी मेरी चादर रहती है, कॉल आई थी अभी। यस ही सेड मैं तैयार होके बैठा हूँ, मैं तैयार होके बैठा हूँ। अच्छा वो तो मुझे कहा था मैं भी नहाने लगा, अस्तगफिरुल्लाह मुझे अभी भी कॉल कर गया था, मैं तैयार होके बैठा हूँ। वैसे यार माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर, लेकिन अभी चादर रहती है, लेकिन मुझसे सर अभी चादर रहती है ना। अच्छा चादर रहती है अभी, तो सर जल्दी करें। आपका वेट है? मेरा कैसा वेट है, मैं तेरे घर बैठा भरावा। सो आफ्टर अ वेट ऑफ काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग जो हैं वो अब गाड़ी निकालने लगे हैं, और कह रहा है बुआ खोलो। हाँ भाई भाई बुआ देखो, भाई मैं गेस्ट आया हूँ। वो खोल यार, ओए है रे। अच्छा इसके अंदर एक मोबाइल वगैरह पड़ा हुआ है, आप खोलो ना। मैं खोल, मैं बैठा ना, तो खोल। तो मुझे ठंड नहीं लगती यार, एक तो एक टेंशन हो गया फिर भी है यार। हम लोग सियालकोट के कंटोनमेंट में एंटर हो रहे हैं, और इधर आगे करके दाऊद रहते हैं, दाऊद को पिक करेंगे, दाऊद को कॉल करते हैं। यार हम लोग आ गए हैं, तो लाइव कॉल, लाइव कॉल करेंगे भाई। नहीं इस काबिल नहीं है हमारे आज ट्राई करने में, क्या हर्ज है, शायद शर्म खा ले। बीप लगानी पड़नी है आपको हर बात पे, भाई कुछ ना कुछ गलत बोले यार। वो बहुत ज्यादा आजकल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं मेरे, अच्छा सिंगर फ्री की कर दिया, फिर दोबारा व्लॉग में पता नहीं पिक करता है कि नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, बाहर खड़े हैं भाई, घंटा हो गया बाहर खड़े हैं। ओ भरावा तेरी गली दे बाहर। वो नसीम मंजिल नहीं है जिसके बाहर लिखा हुआ है कि आगे खतरनाक मोड़ है, तेरा ध्यान से चले वहाँ पे। जल्दी आए यार, जल्दी आए, जल्दी आ। बहरहाल यार ये हमारा कंटोनमेंट एरिया है सियालकोट का, बहुत से लोग जो इधर के रहने वाले उनको तो पता ही है, आगे मैकडोनल्ड्स वगैरह और सीमा वाला इधर। जी जी भाई सीमा वाला है, और बहुत ज़बरदस्त जगह है इधर, और हम लोग अक्सर जो है वो वहाँ पे आके बैठते हैं, बस बैठ के और वापस चले जाते हैं, खाते पीते हैं हम कुछ नहीं। सर नहीं, जब भी आए हैं ना खाना पीना साथ ही होता था। अच्छा अच्छा, तो हम लोग इधर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा मेमोरीज इधर बनी है। मतलब सकलैन आया था, सकलैन हर दूसरे दिन ही हम लोग इधर बैठे होते थे, साथ उसामा भी होता था, उसामा के साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज है। आज वैसे अगर उसामा होता जिससे कितना खुश होना था, फिर से जाना था हमने, फिर से विंग पे जाना था। बहरहाल यार जो भी है अच्छा ही होता है, शायद अल्लाह ताला ने उसके नसीब इतनी ज़िंदगी लिखी थी, शायद उसके लिए बेहतर था। बहरहाल ये हमारा सियालकोट का मैकडोनल्ड्स है, और ये ओए फ्रैंकोस कैफे आया है, याद आया? नहीं मुझे नहीं याद आया, मेरी बात सुन, सबड़े आदमी में ड्राइव थ्रू कब बन रहा है भाई? KFC बंद हो गया है। ड्राइव थ्रू कब बंद? KFC में ड्राइव थ्रू है भाई जान, कब ओपन हुआ है? ओ सारे ये क्या इधर वो समड़ियाल नहीं है सियालकोट? ओ समड़ियाल किसे नहीं आता ना भाई,
आप इसको ना सीरियस ना लिया करें, ये बंदे थोड़े से ना एक दो बंदे क्रैक हैं मेरे साथ। गैदरिंग काफी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा। एक जूज में जूज है तो मैं तो दो था, जो पांचवा बंदा हो रहा है कोई नहीं। कभी देखा आपने पांचवा बंदा? नहीं देखा है, देखा है, बोलो देखा है। नहीं देखा, देखा है, उन्होंने देखा है। तो हम लोग यार ये फॉग होना स्टार्ट हो गई है और वापसी पे पता नहीं क्या सिचुएशन होती है, लेकिन अभी हम लोग दाऊद को पिक करेंगे और रवा दवा होंगे अपनी मंदिर की तरफ, क्योंकि यार मुझे लग रहा है दानियाल वेट कर रहा होगा। उधर ने एक बारी भी नहीं मैसेज करके पूछा तो मेरे ब्याह तो बाकी कोई नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग जा रहे हैं फिर भी। A few inches later. ये बंदा है, इसको हम लोग पिक करने आए थे, तो हम लोगों ने पिक कर लिया है। अब कहता है दरवाजा भी खोलो, एवं ही खोल ले। वैसे बहुत ही भाई सारे बात बुला के है। वैसे तू खड़ा हो के इंतजार है, ऐसे हां तू उसने तुझे बुलाया है। काट काट नहीं मेरे पास तो फिर अंदर की बढ़ना है। अंदर की बढ़ना है तू, मैं आत्मा बस है। हां इधर दिखाओ, ये हमारे WhatsApp आए हैं। दिखाओ दिखाओ मेरे पास, दिखाता हूं दिखाओ। चेक कराओ भाई आज, आज भाई गाड़ी तब भी आगे चलनी है जब तू कार्ड दिखाएगा। नहीं ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं क्या मसला है। दिखाओ दिखाओ दाऊद आपको वैसे बुलाया हुआ उन्होंने? हाँ, यार हम लोग जा रहे थे तो हमने कहा यार ये बेचारा क्या घर करेगा। हाँ। तो चल आ जा तू भी, नहीं शर्म खाई आ गए। हाँ तो बाहर यार हम लोग जो है वो अब अगर सफर का यार, नहीं, यार बुलाया हुआ था, बुलाया हुआ था हम लोग। नहीं, नहीं, बुलाया था इनके साथ ही, इनका ही दोस्त था, तो मैंने सोचा चलो यार मेरा भी है तो मैं भी चले जाता। देखा 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 यार वो बंदा जो मुझे हर कमेंट में कहते हैं हर वीडियो के नीचे के दाऊद भाई को बुलाएं, कमेंटर्स करते हैं कि दाऊद भाई को लेके आए। दाऊद भाई फिर आ गए हैं ब्लॉग में। दाऊद भाई हाय कर दें उस बंदे को, शायद कितना को बड़ा वो फैन है आपका। सर आपके सारे फैन है हमारे तो कहां है, हम तो बस वैसे ही आ जाते हैं। अच्छा इसके फैन है तुम्हारे, कहां है इसके, कहां है हमारे फैंस है। तो अब हम लोग तीसरे बंदे को पिक करने जा रहे हैं, जैसे हमारा लगता है ये मेहंदी का ब्लॉग सारा ये बंदे पिक करने में। यार तू ब्लॉग क्यों बना रहा है यार, इसको निकाल भाई ना, इसको बुलाया है ना, ये बंदे तेरे साथ आएगा तेरे घर। नहीं 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 उतार उतार अब उतार, नहीं तो उतार ना यार मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कोई वो मेरे पास आता है रोज, ये कभी कभार मेहमान है। मैंने कहा यार दाऊद पता क्या, मैं इतनी दूर से हमारी बात बन गई। इसमें क्या सीन हुआ है कि बाकी जो दो बशिंदे थे वो अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं और हम लोग जो है वो डायरेक्ट वो शादी वाले घर जा रहे हैं और उसको जाके सरप्राइज करते हैं। लो जी हम आ गए। सरप्राइज क्यों करना है उसको? यार इसको बुलाया उन्होंने। हाँ बुलाया, तब दिखाया नहीं मैसेज। बहरहाल इसको बुलाया, ठीक है बुलाया, कह दिया यार। वैसे मुझे दानियाल के घर का नहीं पता, मुझे आइडिया है थोड़ा, मुझे भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मॉडल टाउन में ही है तो चलो। लेकिन हम लोग अब डायरेक्टली उसके घर की तरफ जाएंगे, वो हम लोगों ने पसरूर वाली साइड पे जाना है और उधर वहाँ पे फॉग की सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अजीब और ज़्यादा होती है फॉग वगैरह, क्योंकि वो मैदानी इलाके है। तू कड़ा पहाड़ी इलाके रहना? नहीं आप अपने पिंड का बताओ ना। ये वैसे हमारा भी मैदानी इलाका है जी भाई, वो भी इतने ज्यादा, लेकिन जो मेन सिटी है जिधर मैं रहता हूं 15 मिनट की ड्राइव करके तेरी गिरी मेन सिटी है। मेन सिटी यार जो मेन एरिया है, जो बाजार का एरिया है जिधर हम लोगों के शोरूम है, वो बाहर रहता है तू गांव ही है ना सर, वो तो बढ़िया बिल्डिंग ने इधर सफर जो है वो स्टार्ट करने लगे तो साथ ही आगे से ये रेड इशारा आ गया, बोला इधर से ऐसे आ रहा था, इधर से ऐसे ये रेड इशारा आ गया, तो हम लोग जो है वो दानियाल के घर जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग कोई एक घंटे की फॉग के अंदर से ड्राइविंग करते हुए पहुंच गए हैं दानियाल के घर। नहीं तो फॉग पांच मिनट की नहीं थी यार, अच्छा चलो थी फॉग,
घंटे हम लोग जो है दानियाल के घर पहुंच गए हैं माशाल्लाह। लड़का जो है वो शादी के बंधन में बंधा जाने लगा है। कल का निकाह हो गया हुआ निकाह उसका कल का हो गया हुआ है। अल्लाह ताला उसके अब अगली जो जिंदगी है उसको भी आसान फरमाए और मज़ेदार बनाए और दुआ करनी चाहिए कल को, यही हमारे लिए फिर दुआ करेंगे। ये यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है और ये उसका घर है। तो गाइस सबसे पहले आपको मिलाते हैं द वन एंड ओनली लेजेंड जो लग गया से रहा है जैसे हम लोग सबसे बड़े हैं और वो बच्चा है लेकिन वो आज का दूल्हा। लेडीज एंड जेंटलमैन द वन एंड ओनली दानियाल। दानियाल कैसे हो आप? आप अभी भी शर्मा रहे हो? तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कैसी फीलिंग्स आ रही है, कुछ गाइड करोगे हमें? बाद में आपको करूंगा। ओ भरावा जे तेरी फैमिली है आज और वो हां साहब आ गए हैं तो हम लोग जो है वो खाना शाना खा लें उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको कि क्या सीन होता है क्योंकि क्वाली नाइट स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। ये लगता है भूख इसको लगी हुई है शक्ल से देखें। हां लग शादी पे क्या करने आते हो आप? शादी पे और बहुत ज्यादा काम होता है। की करना है तू? और ये देख मस्कीन। फिर उसके बाद ये देख कर रहे लेकिन अब जो है वो खाना आने लगा है और रखा जा रहा है और हम लोग जो है वो सबसे पहले खाना शाना कर लेंगे और उसके बाद फिर अगले प्लान क्वाली नाइट है। यार ये चेक करो एक यूज़ करनी थी और यार सामान इसीलिए बस इसीलिए। तो हम लोग जो है वो डिनर वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर क्वाली नाइट होने वाली है और दूल्हे से भी आपको मिलवाते हैं। So guys, now we are planning to go home. और जो हालात हैं धुंध के देख सकते हैं यार, धुंध ही धुंध है। लेकिन ये बंदा जो है ना ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। और यार तुझे मसला क्या है यार, कुछ शर्म होती है, कोई या होती है, क्या मसला तुझे? पाल है यार। अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि इस टाइम तकरीबन 1 बज चुका है और अब हम लोग जो है ना वो घर के लिए निकलने लगे हैं। अंदर फंक्शन जो है वो जारी है लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो गए, सोचा अब घर के लिए। गाइस अब हम लोग जो है वो वापसी के लिए निकलने लगे क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग। सर आप इसको अंदर रख दें, चोर पे आ गए ना, हाँ तेरे वाली इशारा कराना है। यार अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, फॉग बहुत ज्यादा है और हम लोगों ने अच्छे भले एक मैदानी इलाके से गुजरना है, पता नहीं क्या। सर उनको फोन करके पूछ किधर है वो, कौन इधर वो लोग निकल गए आगे, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, उनको बोले साथ साथ रहे। ये मुझे लगता है उसी की कॉल आ रही है तंजील। हेलो यार फॉग बहुत ज्यादा है यार, चाय पीनी है यार। सर जिधर से आप कहें हम कोई जी ठीक हो गया, गुड़ अपना लेके जाना है। सर व्लॉग में पहले का बना रहा हूँ यार, सुबह ना आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही चलाने में गाड़ी? नहीं सर कदरे बेहतर है, वैसे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन नजर आ रहा है फिर भी कुछ। तो आपने दाऊद को साथ बिठाया हुआ, कुछ हेल्प कर रही है? हां पठान है ना वो,
ਕਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਖਵਾ ਰੋ ਭਾਈ ਕੋ ਸਾਜ ਦਾ ਦਾਊਦ ਜੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਸੁਬ ਫੌਗ ਮੇ ਜੋ ਸਫਰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ एंड है अगर विजिबिलिटी बस हो यार चाय पी ली हम लोगों ने अब हम लोग जो है वो अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं और तंदील आप भी जा रहे हो हैं जा रहे हो ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला आपको खुश रखे और तैयारियां चारियां रोज के साथ रखो यार हम लोग अब निकलने लगे हैं घरों की तरफ सो गाइस इवेंट भी हो गया चाय भी हो गई सबको उतार भी दिया कैसा रहा दो भी बज गए रात के दो भी बज गए कैसा रहा इवेंट मजा आया बहुत मजेगा था माशाल्लाह दानियल बड़ा सोना लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह जरा आप नजर भी आएगा ब्लॉग के अंदर बैटरी डेड लग रहा था बैटरी डेड होने वाली है इधर ही ब्लॉग को एंड करेंगे सब्सक्राइब फॉलो शॉलो हर चीज़ कर कर देना फिर मिलेंगे इस अपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमें दे इजाज़त थैंक यू सो मच